हेलो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ लेखपाल सामान्य ज्ञान मॉक टेस्ट प्रैक्टिस सेट 1 है। दोस्तों, जो भी स्टूडेंट यूपी लेखपाल की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए मैंने एक प्रैक्टिस सेट बनाया आपका सामान्य ज्ञान का। देख जो मतलब जो आपके जो एग्जाम में जो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं यूपी लेखपाल के में, वही क्वेश्चन मैं आज की इस वीडियो में कराऊंगा। तो इसमें आपको जो 25 टॉप क्वेश्चन कराऊंगा, देखते हैं आप टॉप 25 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। दोस्तों, आपको कमेंट में लिखना है कि आप 25 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे इस यूट्यूब चैनल पवन ज्ञान अकेडमी को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बिना किसी वेस्ट टाइम के आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है कि भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निदेशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है। आपके पास ऑप्शन ये रहे, ऑप्शन 1 आयरलैंड, ऑप्शन 2 अमेरिका, ऑप्शन 3 ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन 4 फ्रांस। तो इसमें कौन सा राइट आंसर है चारों में, तो मतलब नीति नीति तो इस चारों में किसमें से ली गई। तो डियर स्टूडेंट, जो आपके डीएसपी मतलब डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी मतलब भारत के नीति निदेशक तत्व की जो प्रेरणा हमें ली गई, वो आपके आयरलैंड से अडॉप्ट किए। कहाँ थे? आयरलैंड से। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है कि यूरोपीय एकल मुद्रा यूरो की एक इकाई के बदले में निम्नलिखित में से किस मुद्रा की सर्वाधिक इकाइयां प्राप्त होती हैं। आपके पास ऑप्शन ये रहे, ऑप्शन ए आयरिश पाउंड, ऑप्शन 2 फ्रांसीसी फ्रैंक, ऑप्शन 3 जर्मन मार्क, ऑप्शन 4 इटालियन लीरा। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो डियर स्टूडेंट, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, इटालियन लीरा इज द करेक्ट आंसर। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 में बात की गई, भारत बैंक नोट कागज कारखाना प्राइवेट लिमिटेड का मुख्यालय मतलब हेडक्वार्टर कहाँ पर स्टैब्लिश है। तो आपके पास ऑप्शन ये रहे, ऑप्शन 1 बेंगलुरु में, ऑप्शन 2 नोएडा में, ऑप्शन 3 चेन्नई में, ऑप्शन 4 हैदराबाद में। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो डियर स्टूडेंट, जो इंडियन में मतलब इंडियन नोट करेंसी है, जो इसका मतलब हेडक्वार्टर कहाँ पर स्टैब्लिश है, वो आपका बेंगलुरु में है। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप बताते जाएं कि आप कौन सा क्वेश्चन सही करते हैं या करेंट आप कौन सा क्वेश्चन गलत किया है, तो उसे कमेंट में लिखें। एंड क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा कि राउरकेला में इस्पात कारखाने की स्थापना किसके सहयोग से की गई थी। आपके पास ऑप्शन ये रहे, ऑप्शन 1 जर्मनी, ऑप्शन 2 जापान, ऑप्शन 3 सोवियत रूस, ऑप्शन 4 यूके। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो इसमें क्या पूछा कि राउरकेला में इस्पात कारखाने की स्थापना किसके सहयोग से की गई, तो किसके सहयोग से की गई, वो की गई थी आपकी जर्मनी के सहयोग से। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है, किसी अर्थव्यवस्था द्वारा एक वर्ष में उत्पादित घरेलू सीमा के अंतर्गत एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं को अंतिम मुद्रित मूल्य कहलाता है। आपके पास ऑप्शन ये, ऑप्शन ए सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ऑप्शन 2 निवल राष्ट्रीय उत्पाद, ऑप्शन 3 निवल घरेलू उत्पाद, ऑप्शन 4 सकल घरेलू उत्पाद। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो डियर स्टूडेंट, इसमें से राइट आंसर कौन सा? तो इसमें से जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, सकल घरेलू उत्पाद इज द करेक्ट आंसर। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा कि खतरे संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है। लाल जो आपका जो रेड जो कलर होता है, वो खतरे के लिए क्यों यूज किया जाता है, आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो ऑप्शन 1 में पूछा है कि इसका विकिरण सबसे कम होता है, ऑप्शन 2 हवा द्वारा इसका अवशोषण सबसे कम होता है, या इसका सबसे कम रासायनिक प्रभाव पड़ता है, ऑप्शन नंबर 4 या आंखों के लिए आरामदायक होता है। तो स्टूडेंट, जो इसका राइट आंसर है वो है इसका विकिरण सबसे कम होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो ये आपको जनरल नॉलेज के हिसाब से पता होना चाहिए कि रेड कलर का यूज संकेतों में क्यों किया जाता है। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। सो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 पूछा है कि बाइनरी संख्या में कौन कौन से अंक प्रयोग किए जाते हैं। आपके पास ऑप्शन ये रहे, 0 से 9 तक, ऑप्शन 2 8 से जेड तक, ऑप्शन 3 0 से 7 तक, या ऑप्शन 4 0 से 1 तक। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो डियर स्टूडेंट, जो इसका राइट आंसर है वो है 0 से 1 तक। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। सो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है कि जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया, जैव जो विकास है सबसे सर्वप्रथम मतलब किसने समझाया था। तो आपके पास ऑप्शन ये रहे, ऑप्शन 1 न्यूटन, ऑप्शन 2 चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन 3 आइंस्टीन, ऑप्शन 4 लैमार्क। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो डियर स्टूडेंट, जो आपका जैव विकास सर्वप्रथम जो समझाया था वो समझाया था लैमार्क ने। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। सो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है कि पायरोमीटर निम्नलिखित में
किसके नापने के लिए प्रयोग लिया जाता है, जो पायरोमीटर होता है किसके मापने के लिए यूज होता है। आपके पास ऑप्शन ए रहे, ऑप्शन वन वायुदाब, ऑप्शन टू उच्च दाब, ऑप्शन थ्री आर्द्रता, ऑप्शन फोर भूकंप की तीव्रता। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो रेडिएशन जो पायरोमीटर होता है वो आपके उच्च ताप मापने के लिए यूज किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर टू इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। तो रेडिएशन क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा है? सो क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बात करेंगे। तो रेडिएशन क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है कि कौन सा हार्मोन लड़ो या उड़ो हार्मोन कहलाता है। लड़ो या उड़ो, उड़ो लड़ो या उड़ो, तो लड़ो या उड़ो। तो आपके पास ऑप्शन ए रहे इंसुलिन, ऑप्शन टू एस्ट्रोजन, ऑप्शन थ्री एंड्रेनेलिन, ऑप्शन फोर ऑक्सीडोसिन। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो रेडिएशन जिसका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर टू। कौन सा है? ऑप्शन नंबर टू एस्ट्रोजन। ऑप्शन नंबर टू इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। सो क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है कि वह कार्बोहाइड्रेट जो तनु विलयन की एक बूंद के साथ नीला रंग देता है। आपके पास ऑप्शन ए रहे ऑप्शन वन स्टार्च, ऑप्शन टू ग्लूकोज, ऑप्शन थ्री सेलुलोस, ऑप्शन फोर सुक्रोज। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो डियर स्टूडेंट इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर स्टार्च इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 13 पूछा है स्टूडेंट्स अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो आपके पास ऑप्शन ए रहे ऑप्शन वन पेरिस में, ऑप्शन टू हेंग में, ऑप्शन थ्री न्यूयॉर्क में, ऑप्शन फोर लंदन में। तो डियर स्टूडेंट जो आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है। तो डियर स्टूडेंट जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर टू हेंग में, क्योंकि जो इंटरनेशनल न्यायालय का जो वो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, वो हैंग में, इसलिए ऑप्शन नंबर टू इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा है डियर स्टूडेंट कि जनगणना 2001 के आधार पर भारत के कुल की कितनी जनसंख्या है 2001 के अनुसार। आपके पास ऑप्शन ये रहे 43.56 करोड़, 49.65, 43.56 करोड़, 48.10 करोड़। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो डिस्टेंस कितनी है वो है आपकी 49.65 करोड़, इसलिए ऑप्शन नंबर टू इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। सो क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में बात करते हैं डियर स्टूडेंट। अब तो क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछा है? तो थोड़ा सा ऊपर जाते हैं तो कुछ तो थोड़ा। हाँ क्वेश्चन नंबर 15 पूछा है कि निम्न से किस आधार पर राष्ट्रपति भारत में आपातकाल की घोषणा नहीं कर सकता। मतलब किस मतलब प्रोविजन में, मतलब जो आपको जो प्रेजिडेंट होता है वो इमरजेंसी घोषित नहीं कर सकता। आपके पास ये रहे ऑप्शन युद्ध के समय, ऑप्शन टू सशस्त्र विद्रोह होने पर, ऑप्शन थ्री आंतरिक अशांति उत्पन्न होने पर, या बाहरी आक्रमण होने पर। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? तो डिस्टेंट जो इसका राइट आंसर है आंतरिक अशांति उत्पन्न होने के कारण, इसलिए ऑप्शन नंबर थ्री इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। तो डिएशन क्वेश्चन नंबर 16 पूछा है कि यदि राज्य विधानसभा अध्यक्ष अपने पद से त्यागपत्र देना चाहे तो वह निम्न में से किस अधिकारी को सम्मुख त्यागपत्र प्रस्तुत करेगा। आपके पास ऑप्शन ए राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष, ऑप्शन थ्री मुख्यमंत्री, ऑप्शन नंबर फोर। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो डिएशन जो आपका जो विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है जो पत्ता करने के लिए विधानसभा उपाध्यक्ष के ऊपर करेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर टू इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा है, क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा है डियर स्टूडेंट किस संविधान संशोधन द्वारा, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। आपके पास ऑप्शन ए 67वां, ऑप्शन नंबर 68वां, ऑप्शन थ्री 59वां, ऑप्शन फोर 70वां। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो डियर स्टूडेंट जो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थ्री 59वां इज द करेक्ट आंसर है। कौन सा? ऑप्शन नंबर थ्री, क्योंकि 59वें संविधान संशोधन द्वारा ही आपको जो दिल्ली को राजधानी का दर्जा दिया गया था। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में। तो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा है कि वायुमंडल का सबसे निचला भाग क्या कहलाता है। तो वायुमंडल का सबसे निचला भाग क्या कहलाता है? आयनोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, मोसोस्फीयर, स्टेटोस्फीयर। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो डिस्ट्रिक्ट इसका राइट आंसर वो ऑप्शन नंबर टू ट्रोपोस्फीयर
ट्रोपोस्फियर इज द करेक्ट आंसर। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में। ये क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा क्या है, तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा क्या है। तो ऑडियंस क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा है कि पृथ्वी का लगभग 70% भाग जल में डूबा हुआ है, पृथ्वी की समुद्री सतह का औसत तापमान क्या है। आपके पास ऑप्शन ए रहे, ऑप्शन वन 70 डिग्री सेल्सियस, एंड ऑप्शन टू 15 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन थ्री 19 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन फोर 20 डिग्री सेंटीग्रेड। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो ऑडियंस इसका राइट आंसर है वो है 19 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन नंबर थ्री इज द करेक्ट आंसर। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में। तो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 20 पूछा है कि भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है। आपके पास ऑप्शन ए रहे, ऑप्शन वन आंध्र प्रदेश, ऑप्शन टू गुजरात, ऑप्शन थ्री महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर फोर तमिलनाडु। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो डियर स्टूडेंट इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर टू, गुजरात इज द करेक्ट आंसर। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में। आज के लिए खाली